तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे बेस्ट बजट कैमरा फॉर बिगिनर फोटोग्राफर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है निकॉन Z50। बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए एकदम बेस्ट प्रोडक्ट है ये। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारा रिव्यू क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स, यूज़र मैनुअल जो आपको बहुत सारी हेल्प करेंगी, और ये कुछ पेपर वर्क है। और इसके साथ मैंने ये यूवी फिल्टर लिया था और मैंने अपने बड़े वाले लेंस के लिए लिया था, जो अभी अंदर रखा हुआ मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत सही रहता है ये लेंस। और भी कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, देखने में अच्छा लगता है लेकिन मेन चीज़ तो अंदर है। सबको साइड रखते हैं और उसे देखते हैं। ऐसे इससे पहले मैंने ये कैमरा बहुत दिन पहले चला चुका हूँ, यूज़ कर रहा हूँ मैं बहुत दिन से, तो आपके सामने है ये। तो इसके आपको ये कैमरा मिलेगा, ये प्रोटेक्शन मैंने खुद से बना के लगाई है। ये फ़ोन का है, मेरे पास उस टाइम था नहीं, मार्केट में मिल नहीं रहा था, इसीलिए मैंने यही लगाया। तो देख सकते हैं ये कैमरा कितना मस्त लग रहा है। छूने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा फीलिंग आता है, मतलब कि ये कॉम्पैक्ट है और पिक्चर्स देखेंगे तो ये क्या बात ही है, बहुत सही है। वीडियोस के लिए भी बहुत सही है, ये ऐसे आप मोड़ सकते हैं इसको। बस इसमें भी कुछ कमियां हैं जिनके बारे में बात करूँगा लेकिन बाद में। और ये आपको चार्जर मिल जाएगी, लगा सकते हैं ऐसे। और आपको इसके साथ मिलेगा एक मेमोरी कार्ड सैंडिस्क का, तो जो 64 GB है, सही है ये। ये है आपका, ये स्ट्रैप है मिलेगा, ये बहुत सही स्ट्रैप रहता है। और मैं यहाँ पर, ये ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी है, ये कलरफुल मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब पहले का जो निकॉन का स्ट्रैप था उसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो ये स्ट्रैप मुझे ज़्यादा बेटर लगा है और ज़्यादा अच्छा भी लगता है, कुछ यूनिक लगता है थोड़ा देखने में भी। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है हमारा लेंस बड़े वाला। तो ऐसे ये लेंस पोर्ट्रेट का तो कंपेयर कर नहीं सकता है लेकिन जूम लेंस का भी बात अलग ही होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये लेंस है, और ये लेंस भी काफ़ी बेटर लेंस है। मुझे तो यूज़ करते हुए टाइम हो गया और इस लेंस से मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी तस्वीरें ली हैं। 50-250 फिक्स्ड अपर्चर नहीं है, ये अपर्चर ज़्यादा है, मतलब कि जो हम लोग को पोर्ट्रेट लेंस ज़्यादा बोके इफेक्ट जो देता है वो वाला अपर्चर इसमें नहीं है। तो और ये देखिए फिल्टर मैंने जो ये लगा रखा है यहाँ इस पर, ये फ़िल्टर मैं बताऊँगा, ये फ़िल्टर इसके ऊपर भी एक आप बोलिएगा तो अच्छा एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना सकता हूँ। मैंने जब से लिया आज पहली बार ये मैं फ़िल्टर खोल रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा सही रहता है, आपको डस्ट को इसके अंदर जाने से रोकता है, बहुत ही सही फिल्टर है ये। तो चलिए बात करते हैं कुछ। अब इसके अंदर आपको वही कवर मिलेगा ये सब का, और कुछ नहीं, बस यही। तो दोस्तों अब है मेरे पास कैमरा, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और थोड़ा आप वीडियो जब देख लिए हैं तो इसके बारे में जान लीजिए। और ये है आपका 16-50, ये लेंस है, ये वाइड लेंस आपको मिलेगा इसके साथ, और निकॉन का ब्रांडिंग है इस पर। ये लेंस काफ़ी कमाल का अपर्चर, मैं मानता हूँ कि अपर्चर इसमें 3.5 से 6.3 है, उतना सही नहीं है जितना प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ठीक है, बिगनर्स के लिए सही है। और बात हम करें इस वाले की, तो ये 50-250 है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ये इसको यूज़ करते हुए मुझे अभी तकरीबन 5 महीना से ऊपर हो चुका है और काफ़ी कुछ जान चुका हूँ उसके बारे में। और बिगिनर्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट कैमरा है, मतलब 80,000 के नीचे ये बेस्ट कैमरा है। आपका बजट है 80,000 तो
मैं बोलूँगा कि आप यही कैमरा परचेज करो, बहुत आपको लेने के बाद बहुत कुछ पता चलेगा। इसमें वीडियो में स्लोमो का ऑप्शन है जो कि बहुत अच्छा है आपको, इसमें माइक का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें HDMI का ऑप्शन मिल रहा है आपको, और वाईफाई सपोर्ट है, ब्लूटूथ सपोर्ट है इसमें, ऑटोमेटिक स्विचेबल ये यहाँ डिस्प्ले और व्यू फाइंडर है, यहाँ व्यू फाइंडर में सेंसर लगा हुआ है। इस सेंसर का बात करें तो इसमें क्रॉप सेंसर लगा हुआ है। और इस कैमरा लेने से पहले मैं चाहता था कि मुझे एक कैमरा ऐसा मिले जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं और फ़ोटो भी खींच सकूं काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। तो मुझे मेरे सामने बहुत सारे कैमरे थे लेकिन मैंने इसे ही परचेज़ किया क्योंकि इसका ऑटो फोकस सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी सबके कंपेयर में तो मुझे अच्छा लगा ही है, अभी मुझे बाकियों का पता नहीं। नाइट फोटोग्राफी की बात की जाए तो इसमें नाइट फोटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी रहती है। लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से पिक्चर क्लिक कर रहा है या रिकॉर्ड कर रहा है। मैं जानता हूँ कि रात में ISO ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ता है क्योंकि इसमें अपर्चर ऑटो पे है, तो आपको दिक्कत तो होगी क्योंकि आप इसमें और एक काम कर सकते हैं कि आप अलग से लेंस खरीद सकते हैं, जो कि अगर बिगनर है तो आपके पास उतना बजट नहीं होगा, लेकिन अभी आप इसी से काम चला सकते हैं। आप कहीं से तो शुरुआत कर सकते हैं ना, तो मुझे भी लेना था, मुझे भी कहीं से शुरुआत करना था, मेरा बजट बहुत कम था इसलिए मैंने ये लिया। मुझे एक जूम लेंस भी चाहिए था, पोर्ट्रेट लेंस के मुकाबले ये सस्ता पड़ता है लेकिन आपका वो सभी काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका अनबॉक्सिंग वीडियो, और अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन दोस्तों के पास भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो बिगनर है, फोटोग्राफर्स हैं और वीडियो भी करना चाहते हैं।